प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और 9 पद से जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है वो उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए। यानी कि उस व्यक्ति की सहायता में जिसका मन निष्कपट है, कल हम देख रहे थे जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे और वो यहोवा से आशीष को पाएंगे। आज भी हम यही पढ़ रहे हैं कि जिसका मन परमेश्वर के प्रति निष्कपट है, जिसके मन में कोई खोट नहीं, जिसके मन में कोई कूड़ा कबाड़ नहीं, जिसका मन शुद्ध है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सहायता के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखाता है और यहोवा की नजरें पृथ्वी पर लगी रहती हैं ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो लोग उसके प्रति निष्कपट हो, जिनका मन शुद्ध हो, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए। और जब परमेश्वर को ऐसे लोग मिलते हैं तो वो उनकी सहायता करता है, उनकी सहायता को करने के लिए अपनी सामर्थ को दिखाता है। हम दानियल के जीवन में देखते हैं दानियल परमेश्वर के प्रति निष्कपट था, यानी कि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, उसका मन शुद्ध था और वो हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। जब लोगों ने उसके विरोध में योजना बनाई या उसे शेरों की मांद में डलवा दिया तो परमेश्वर उसकी सहायता के ये अपने स्वर्ग दूत को परमेश्वर ने भेजा और शेरों के मुंह को बंद कर दिया, वो भी भूखे शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया और दानियल उन भूखे शेरों की मांद में पूरी रात रहा परंतु उसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर की नजरें पूरी पृथ्वी पर इसलिए फिरती हैं कि जिनका मन निष्कपट है, जो उससे प्रार्थना करते हैं, जिनका मन उनकी ओर लगा रहता है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जिनका मन शुद्ध है, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाया। और यहां पर परमेश्वर ने दानियल की सहायता की और अपनी सामर्थ को उसकी निर्बलता में प्रकट किया और सब लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला पत्रस उसका 2:12, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की नजरें अपनी धर्मी जन पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनतियों पर लगे रहते हैं। धर्मी जन कौन, यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो एक धर्मी जन है। कौन, आप, मैं, हम सब विश्वासी लोग एक धर्मी जन है और परमेश्वर की नजरें अपने धर्मी जन पर लगी रहती है और उसकी प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर के कान हमेशा खुले रहते हैं। परमेश्वर के कान उसकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। किसकी प्रार्थना की ओर, धर्मी जन की प्रार्थना की ओर। वो कौन है, वो आप हैं, वो मैं हूं, वो हम सब मसीह लोग हैं। तो आज समय मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर की नजरें आप पर लगी रहती हैं कि वो आपकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य को दिखाए, आपकी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कानों को लगाए रखता है। वो आपसे इतना प्रेम करता है तो निश्चय जब उसके कान आपकी प्रार्थना पर लगे हुए हैं तो निश्चय आपकी प्रार्थना का आपको उत्तर भी देगा। जब वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है तो निश्चय आपकी विपत्ति के समय, संकट के समय, आपके दुख के समय वो आपकी सहायता करेगा। वो आपको दानियल की तरह उन भूखे शेरों की मान में जीवित रखेगा और आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसकी नजरें आप पर लगी रहती हैं, वो आपको देखता रहता कि कब वो आपकी सहायता करे। सो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर की नजरें आप
पर लगी रहती हैं ताकि वो आपकी सहायता करे और आपकी प्रार्थनाओं को सुने, अपनी सामर्थ को आपकी निर्बलता में सिद्ध करे। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। यदि आपके पास भी कोई गवाही है तो आप भी हमें भेजिए ताकि उसके द्वारा हम और अन्य लोग आशीषित हो सकें। मैं बिंदु डेविड छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी गवाही ये है कि लास्ट मंथ मेरे ब्रेस्ट में बहुत छोटा सा फुंसी या ग्लैंड जैसा हो गया था। मैं बहुत चिंतित थी। मैं कंटिन्यू इसके लिए प्रार्थना कर रही थी तथा मैंने ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता को प्रार्थना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप द्वारा भेजी। उन्होंने व्हाट्सएप द्वारा प्रेयर सेंड किया जिसे मैं लगातार सुनती रही। मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर का प्रेयर सुबह शाम रेगुलर सुनती हूँ और जब मैं डॉक्टर से चेकअप कराई तब मेरा सोनोग्राफी हुआ तो सब चीजें नॉर्मल आई। प्रभु का धन लाख लाख धन्यवाद हो। ब्रदर एंड सिस्टर अमृता एवं उनके प्रेयर वॉरियर को भी मैं हृदय से लाख लाख धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, आप सबकी प्रार्थना सुनी और मुझे चंगाई दिया और इस रोग से निजात दिया। आपका सबका हृदय से धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। जिस प्रकार हमने वचन में सुना कि हमारा प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला और अपने कानों को हमारी प्रार्थना की ओर लगाने वाला परमेश्वर है, सो आइए हम अपने प्रार्थना को परमेश्वर से कहें क्योंकि प्रभु सुनने के लिए तैयार हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। पिता आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आदर आपका करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तारीफ जय जयकार के योग्य और ऊंचे स्वर में जिसके नाम की तारीफ हो वो आप है परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आज की शाम में मेरे प्रभु जी जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, हाँ प्रभु जी अपने परिवार के साथ में एकांत में यदि वो प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह आपका आत्मा उन्हें गाइड करे, आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे, वो महसूस करे आपकी पवित्र और होली प्रेजेंस को, प्रभु वो महसूस करे कि आप उनके साथ में हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु तेरा नाम है इमैनुअल की परमेश्वर हमारे साथ, हाँ प्रभु तू हमारे साथ में है। आज की शाम में हमारी विनती निवेदनों को सुनने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ में है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने दिन भर में संभाला प्रभु जी, ये समय दिया प्रभु कि इस समय में प्रभु दिन भर की तमाम बातों के लिए हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करें। हाँ प्रभु तूने मुसीबत से संकट से हर एक बीमारी से हर एक गलत बातों से दुष्ट की योजना से आज के पूरे दिन भर में प्रोटेक्ट किया प्रभु। धन्यवाद करते यदि आज के दिन में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, यदि प्रभु तेरे विरोध में किसी मनुष्य के विरोध में हमसे कोई भी गुनाह गलती कोई भी अपराध हुआ है, यीशु राजा आप हमें माफ करें मेरे प्रभु जी। आप माफ करने वाले प्रभु हैं, क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया है। हाँ परमेश्वर आपने इनके गुनाहों को इनके गलतियों को माफ कर दिया है प्रभु, क्योंकि आप इनके साथ में है प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन मेरे प्रभु, आज की शाम में धन्यवाद देते हैं जिस वचन के द्वारा आपने हम सबसे बातचीत किया प्रभु, आपने उत्साहित किया प्रभु, क्योंकि तेरी दृष्टि प्रभु जी तेरे लोगों पर लगी रहती है, तेरे धर्मी जन पर लगी रहती है जिसका हृदय तेरे प्रति निष्कपट है पिता, जिसके मन शुद्ध है प्रभु, आपकी दृष्टि उन पर लगी रहती है। आप उन्हें ढूंढते हैं पिता परमेश्वर जो आपसे प्रार्थना करते हैं, जो आपसे विनती करते हैं, जो आपके रास्ते पर चलते हैं मेरे खुदावन। हाँ प्रभु जो भाई बहन पिता इस समय इस वचन को जिन्होंने सुना है वो सब तेरे धर्मी जन है पिता, उन सब ने तुझ पर विश्वास किया है और तेरी दृष्टि उन पर पड़ी और तूने उन्हें ढूंढा क्योंकि उनका हृदय उनका जीवन तूने निष्कपट पाया प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते यदि आज भी प्रभु इनके जीवन में कोई भी कपट की भावना है मेरे खुदावन, कोई भी छल और कपट है इनके जीवन में प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए मेरे खुदावन। आप इन्हें निष्कपट बनाए मेरे खुदावन ताकि इनके हृदय शुद्ध हो और ये सही मार्ग पर चल सके मेरे खुदावन। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके बेटे बेटियां आपके सम्मुख बैठे हैं पिता अपने निवेदनों को लेकर, अपने जीवन की
परेशानियों को लेकर, अपनी मुश्किलों को लेकर आपसे विनती कर रहे हैं दानियल की तरह प्रभु, जिस प्रकार दानियल शेरों की मांद में था और भूखे शेर वहां पर थे प्रभु जी, परंतु प्रभु तूने उसकी विनती को सुना और तूने प्रभु जी भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया और तूने उस विपत्ति के समय उसे जीवित रखा। ऐसे ही प्रभु यदि ऐसी परिस्थितियां आपके बेटे बेटियों की है प्रभु, जब चारों तरफ से उनके ऊपर मुसीबत है, जब चारों तरफ से उनके ऊपर परेशानियां है प्रभु, जब कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, सारे तरफ से दरवाजे बंद है परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु जब आपके बेटे और बेटियां इस विपत्ति के समय, इस विपरीत समय में तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, तो होने दीजिए परमेश्वर कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनके लिए सारे दरवाजों को खोल दे परमेश्वर, इनके विपरीत समय से प्रभु आप इन्हें उभारें, आप इनकी हानि ना होने दें। ऐसे मुश्किल के समय जब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जीने का जैसे मन नहीं कर रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते कि आप इन्हें जीवित रखें, आप इनके जीने की आशा को बढ़ाएं प्रभु जी। बहुत से भाई बहन है प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु जीने की आशा छोड़ चुके हैं पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि उनके जीने की उम्मीद को बढ़ाएं परमेश्वर पिता, होने दीजिए क्योंकि आपने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। हां प्रभु, उस जीवन की आशा में वो आगे बढ़ने पाए पिता, और तुझसे प्रार्थना करें तेरे निकट आए मेरे प्रभु, और उन सारी गलत बातों से निकल कर प्रभु जी वो आशीषित हों, और प्रभु उनका जीवन सामर्थ्य से भर जाए प्रभु जी। इस समय तेरे बेटे और बेटियां जो कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं प्रभु, जब उनके पास प्रभु यीशु मसीह कुछ भी करने की सामर्थ्य उनके जीवन में नहीं है, वो कमजोर असहाय और प्रभु जी कुछ भी प्रभु अपने जीवन में सामर्थ्य नहीं पा पा रहे हैं मेरे खुदा, परंतु तेरा वचन कहता है कि तू अपने सामर्थ्य को दिखलाएगा मेरे प्रभु जी। होने दीजिए अपनी सामर्थ्य से अपने बेटे और बेटियों को भर दीजिए, ताकि वो उनके जीवन की कमजोरियां दूर हो जाए मेरे खुदावन, और वो तुझ में बढ़ सके, एक नई सामर्थ्य को पाकर एक नए रास्ते पर चलते बने मेरे खुदावन। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं, और आपकी करुणा सदा की है, वो करुणा आपके बेटे और बेटियों के ऊपर सदा के लिए बनी है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा। इस समय जितने भाई बहन प्रभु जी अपने निवेदन को लेकर बैठे हैं प्रभु, यदि आज उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से वो होकर गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रभु जी स्ट्रेस भरा उनका जीवन है, स्ट्रगल से भरा हुआ, मुसीबतों से भरा हुआ उनका जीवन है, आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं, जब वो आपकी दुहाई दे रहे हैं प्रभु, जब आपको पुकार रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप इनकी सुने, क्योंकि आपने कहा है कि मेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। यस माय लॉर्ड, आप इनके प्रार्थना की ओर अपने कान को लगाए, उनके प्रार्थना का उत्तर दें। आज की शाम में जितने भी भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है, अपने दुख को शेयर किया, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को कहा, यीशु ये आपसे कह रहे हैं प्रभु, आप इनके जीवन में कार्य करें लॉर्ड, इन्हें इनके प्रार्थना का उत्तर दें, इनके जीवन में इनकी प्रॉब्लम्स को, इनकी बीमारियों को, इनके जीवन के हर एक मुश्किल को आप दूर करें, और इनके जीवन को आप आसान करें परमेश्वर पिता। लॉर्ड आज की शाम में जितने भी लोग बीमार हैं, कई सालों से जो बीमारियों में है, और प्रभु नाना प्रकार की बीमारी उनके शरीरों में है मेरे खुदा, दुष्ट ने प्रभु उन्हें बीमार करके रखा है प्रभु जी, और प्रभु जी वो बिल्कुल थके हुए हैं प्रभु जी, हारे हुए हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि यीशु आपका वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा, यदि उसने पाप भी किए हों तो उसके पाप क्षमा होंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु कि आप इनके रोगों से इन्हें छुटकारा दे, इसी समय इनके सारे रोग नष्ट हो जाए, सारी बीमारियां नष्ट हो जाए, सारा दर्द चला जाए यीशु के नाम से। ये अपने बिस्तरों से उठ खड़े हो, यदि ये चल नहीं सकते तो चलने लगे, यदि ये बोल नहीं सकते तो बोलने लगे, यदि बॉडी कोई भी रिस्पांस नहीं कर रही यीशु के नाम से इसकी इनकी बॉडी रिस्पांस करने लगे यीशु के नाम से। धन्यवाद करते जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है मेरे प्रभु, आप उन्हें छू लें और चंगा करें यीशु के नाम से। कोरोना वायरस आपके बेटे और बेटियों के शरीर से नष्ट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम उस बीमारी को आज्ञा देते हैं और तेरे सामर्थ्य के कामों को इनके जीवन में देखते हैं पिता, कि प्रभु अपने वचन के द्वारा आपने इन्हें चंगा किया, आपके कोड़े खाने से आपके बेटे और बेटियां हर एक बीमारी, हर एक महामारी से, हर एक रोग से छुटकारा पा चुके हैं। धन्यवाद करते प्रभु। यदि प्रभु इन्हें गुप्त रोग है, फोड़े फुंसियों की बीमारी है, दांत खुजली है प्रभु, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, यीशु मसीह के नाम से ये प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। यदि शरीर के किसी भी अंग में इन्फेक्शन है प्रभु, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। प्रभु जिन्हें हकलाने की आदत है, यीशु के नाम से प्रभु जी उनका हकलानापन दूर हो जाए, वो स्पष्ट बोलें यीशु के नाम से, उनकी
उनके जीभ की गांठें खुल जाएं। यीशु के नाम से जितनी भी बहनें प्रभु इस समय संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी कोख को खोल दें, प्रभु वो गर्भ की आशीषों को रिसीव करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, बहुत से भाई बहन हैं प्रभु जो इस समय प्रभु जी अपने जीवन में कर्जे के लिए और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरे खुदा आप उनकी सुधी लेकर अपने महिमा माध्यम से उनके कर्जों को और उनके फाइनेंशियल नीड को पूरा करें पिता। धन्यवाद देते आज रात में अपने बेटे बेटियों को मीठी और सुकून भरी नींद दे। यदि प्रभु बहुत से दुष्ट प्रभु नींद में प्रभु यीशु मसीह बुरे सपनों के द्वारा इन्हें डराते प्रभु जी यीशु, हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक वो बुरा सपना, हर एक वो दुष्ट द्वारा डराना यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चला जाए। लॉर्ड आजाद करें इन सारी बातों से, अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, हर एक बुरे सपने, हर एक नेगेटिव विचार यीशु के नाम से आज की शाम में इनके जीवन से नष्ट हो जाए और ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोए और तेरी तारीफ करें, तेरी महिमा करें, एक नया दिन तेरे साथ में देखें प्रभु। धन्यवाद हमारी विनती निवेदनों को सुनने के लिए प्यारे यीशु, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।